बैक टू मनंदनी ब्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। देन आज का ब्लॉग हम देख रहे हैं कुछ इस तरह का ढाबा से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अभी का मॉर्निंग का 8 बजे, तो आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज का लाइनअप देखो कुछ इस तरह का है और अभी हम लोग है राजगंज वाले रोड एंड अभी सेकंड डेस्टिनेशन है अभी तोपचाची, उसके बाद डुमरी जाना है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रिंसेस हॉट का इसका भैया लोग हैं उनको साथ ज्वाइन करके फिर तोपचाची रिटर्न आना है, फिर एक कॉलैब होगा उसके बाद हम लोग रिटर्न करके और आएंगे। तो अभी हम लोग इस जगह पर रुके हुए हैं और उधर भैया लोग का रिएक्शन चेक करो गाइस, कितना खतरनाक सा प्यारा सा मिल रहा है। और इधर अपने मॉन्क देख सकते हो कि अभी ये लोग जा रहे हैं पारसनाथ पहाड़, क्योंकि आपको पता है कि पारसनाथ बौद्ध धर्म का है तो ये लोग उसी से रिलेटेड है। तो देख रहे हो भाई पैदल यहाँ से पारसनाथ मारेंगे, मतलब यहाँ से पारसनाथ समझ अभी कम से कम नहीं तो हमको लग रहा 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, 100 किलोमीटर भी पकड़ लो ना पैदल चल जाएंगे भाई। और लोग धनबाद से पैदल ही आ रहे हैं, मानना पड़ेगा क्या खतरनाक। तो अभी राइड अपना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और देखो गाइस दिन के स्टार्ट लगाया है भाई ने एकरा को भी कारोन 5 में बहुत ही अच्छा तगड़ा साउंड कर रहा है। और मॉर्निंग राइड का एक अलग ही मजा है। अरे भाई तो हेलमेट को तो खतरनाक बना दिया है, जगह का हेलमेट को पुजारा हेलमेट बना दिया भाई, एक नंबर, क्या खतरनाक सा लग रहा है, कुछ अनोखा लग रहा है। तो अंकल धीरे, कोई फैक्ट्री बनने वाला है क्या? बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा जहाँ फैक्ट्री बनेगा वहाँ पर रोज़गार मिलेगा लोकल्स को, तो अच्छा है ना। को हमको तो उससे कुछ ठंडा लग नहीं रहा क्योंकि देख रहो ये अभी सूरज मामा उग गए हैं तो गर्मी अच्छा खासा लग रहा है और इतना देर से चला रहे हैं ना तो अभी ठंडा असर ही नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ सारे लोग चाय पीने के रुके हैं तो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अरे भैया भैया ने तो पूरा हेवी अपना मोबाइल को डोमिनार में लगाया, पूरा हेवी लग रहा है। आप एक सेकेंड देखो, पूरा हेवी मीटर पूरा डोमिनार का फ़ोन ही आ गया, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। हम ब्लॉग में कोशिश करेंगे गाइस कि अब ज़्यादातर हम बोले, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कम बोले थे क्योंकि देखो थोड़ा जब हाइपर राइड करते हैं ना तो कम बोल, ज़्यादा स्पीड में रहते हैं ना तब कुछ बोल नहीं पाते और कुछ बोलते भी तो इतना ज़्यादा विंड आता है कि कुछ समझ भी नहीं आता, इसलिए जब ज़्यादा हाई स्पीड में रहते हैं ना तो हम कुछ बोलते नहीं हैं। जब कुछ बोलना होता है तो बाइक को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, आराम से ही बोलते हैं। तो मोटो ब्लॉग सबसे ज़्यादा खर्चा नहीं किसी चीज़ में यूट्यूब में तो मोटो ब्लॉगिंग, क्योंकि सबसे पहले आपको बाइक चाहिए अच्छा सा, फिर ग्रुप चाहिए, उसके बाद बाइक में पेट्रोल डलाओ जब भी निकलो, प्लस वीडियो हम अपलोड करते हैं तो गोप्रो से जैसा शूट कर रहे हैं और अपलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा, एक एक वीडियो 10 GB का होता है तो 10 GB के लिए हमको हमेशा से 50-60 का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है, तब जाकर हम वीडियो अपलोड कर पाते हैं। एंड हम लोग को चलना चाहिए तो उस लेन में, लेकिन हम लोग इस लेन में चल रहे तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये लेन भी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है। और ये यार ये कौन सा ढाबा ऊपर में हेलीकॉप्टर बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाईवे में बहुत सारा ऐसा ढाबा दिखने वाला, कदम कदम मतलब हाफ किलोमीटर कुछ मीटर में ही आपको एक एक ढाबा मिल जाएगा, तो हाईवे में कभी खाने पीने का दिक्कत ही नहीं होगा। गियर डाउन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इनलाइन 4 का साउंड आ रहा है, इतना ज़्यादा बेस ही साउंड आ रहा है हेलमेट के अंदर, और जो कि है सिंगल सिलेंडर। अब क्या करें, अपने सिंगल सिलेंडर में ही इनलाइन 4 का मज़ा लेना होगा। बस आप लोग का प्यार रहा, सपोर्ट रहा ना, और ऊपर वाला का दुआ, माँ बाप का दुआ रहा तो एक टाइम होगा कि अपना पैसा से इनलाइन 4 सिलेंडर वाला बाइक एक जरूर अपने पास होगा। या देख रहे हो सामने तोपचाची, आगे जस्ट यहाँ से 4 या 3 किलोमीटर होगा, जिस कारण इधर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हिल स्टेशन है ना सामने इस कारण। अरे भाई ये जो इधर आप लोग को जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये जब हम आए थे जनवरी के टाइम पिछले साल, तो नहीं यही साल जब जनवरी में आए थे तो बहुत ही मस्त यहाँ से फोटो शूट किया था ना, जो पीछे ना ये पूरा येलो येलो दिखता है जब
मतलब दोपहर का 12-1 जब बज जाता है ना, तो इस जगह से फोटो खींचोगे ना तो बहुत ही तगड़ा आता है फोटो। इधर जो पीछे बैकग्राउंड आप लोग दिख रहा है ना पहाड़ सामने, बहुत ही खतरनाक वाला व्यू आता है। और हम भी बहुत जल्दी टेल टाइडी करवाने वाले, क्यों अभी थोड़ा पैसा का दिक्कत है इस वजह से नहीं करवा रहे। जैसे ही थोड़ा सारा चीज़ मेरा सेटलमेंट हो जाता है ना, हम भी बाइक को अपना बहुत मस्त मॉडिफाई कराने वाले हैं। और भाई पता नहीं और कहाँ रुकना है अभी, तो यहाँ से तोपचावी जी के पास ही रुके हुए हैं, और अभी हम लोग को शायद जाना है डुमरी, शायद नहीं वहीं जाना है क्योंकि बाकी भाई लोग वहीं रुके हुए हैं। देख रहे हो यहाँ से आप लोग सामने ऊपर नहीं दिख रहे हो व्हाइट कलर का मंदिर, इधर पारसनाथ है दिखने, यहाँ से बहुत सामने लग रहा पारसनाथ, लेकिन पारसनाथ जाने के लिए बहुत दूर है यहाँ से। हम लोग यही सोच के चल गए थे पारसनाथ की यहाँ से सामने तो दिख रहा है पहाड़, पारसनाथ सामने है, तो हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग पारसनाथ जाने के लिए यहाँ से अभी भी कम से कम 60 किलोमीटर, मतलब बहुत आगे से घूमना पड़ता है, बहुत आगे से। इधर का व्यू कितना खतरनाक आ रहा है, पूरा बादल से घिरा हुआ है। A few moments later. अभी फाइनली हम लोग साने पंजाब में रुके ब्रेकफास्ट के लिए, और आप लोग को यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। देखो कुत्ता का, देखो यार कैसा चल रहा है, कौन सा है हमको नहीं पता, बहुत खतरनाक है ये ब्लैक वाला, तो यार क्या लग रहा है ये काटेगा भैया, बहुत प्यारा है ये, सही है बहुत प्यारा है गाइस। देखो पालतू है ना इस वजह से, ओह उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए। ओहो हो क्या खेल रहा है ये लोग, ओ हाँ भाई सही है। और अभी इधर हम लोग का केक कटिंग होने वाला है, आप लोग केक दिखाते हैं। देखिए राइडर्स ऑफ धनबाद का, मतलब 1 ईयर हो चुका है ग्रुप का, तो बस उसी का केक अभी कटिंग हो रहा है, और सारे भैया लोग इधर ही है, तो अभी आप लोग यहाँ का थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो दिखाते हैं। सब कुछ चेते हर गल गोली नी, कदों कदों तेज कदों तुरे होली नी, देख लिया तेनू बड़ा जी फरके, रह गया ने बस कलावां सोनी देखो फ्लाई बाय देने वाला है। भाई सही बताया, एग्जॉस्ट लगाने में तो बाइक में पावर हमको नहीं लगता कि बढ़ता होगा, हमको लग रहा घट ही जाता होगा, क्योंकि उतना इनिशियल नहीं मिलता है, क्योंकि आप एयर निकालने का तो लगा दोगे, फिर इंटेक के लिए भी आपको एक अच्छा सा लगाना पड़ेगा एयर फिल्टर, नहीं तो फिर बेकार है। भीतरी देखो कैसे बीट करते हैं अकरा पौधी वाला से, ओ उड़ गए थे गाइस। अरे भाई डोमिना में तो पावर है, पहले तो राजगंज का उस वो वाला रोड था, आप लोगों को दिख रहा होगा सामने, पहले ये वाला रोड सीधा स्ट्रेट जाता था, ये राजगंज मार्केट रहा,
तो अभी मार्केट पूरा खत्म हो चुका है गाइस, क्योंकि जब से ये ब्रिज इधर से साइड से बन गया ना, मार्केट पूरा तबाह हो गया है। घर का तो मेरा घर यहाँ से 11 किलोमीटर है, तो ज़्यादा अब दूर रहा नहीं, तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि ऐसे नॉर्मली राइड करते हैं ना तो 11:30 तक पहुँच ही जाते हैं। जैसे हम लोग सोचे थे कि जाएंगे उधर से कोपचाची, जाएंगे सीधे कोपचाची से निकले, कुछ हाथी को निकलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ लेट हो गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रस रहता है, अभी 3 भी नहीं बजा और इतना ज़्यादा रस हो रहा ना, बस 1 घंटा है, उसके बाद देखना यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगने वाला। तो अब हम तो यहीं से राइट टर्न ले लेंगे, और वाइज़र बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, अब इसको अब चेंज सही में करेंगे। बहुत ज़्यादा डस्ट, सही से क्लियर दिख नहीं रहा है, कुछ कुछ जगह पर पत्थर के निशान लगे हुए ना, तो थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है। इधर पूरा रंग करा दिया है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक हमेशा से एक ही कलर देख देख के बोरिंग से लग रहा था। तो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।